ये सब झूठ है। शुभ कभी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो ऐसा। आस्था मानना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, पर सच यही है, शुभ बहुत बुरी जेल से भाग गया है। अब क्या होगा? हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन शुभ को जेल से भागने की क्या जरूरत थी? जेल से भागने की उसकी कोई तो वजह होगी ना। वजह कुछ भी हो डैड, मगर जेल से भाग के शुभ ने खुद ही अपने बचाव के सारे रास्ते बंद कर दिए। और नहीं तो क्या, वो कहते हैं ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ऐसा करके शुभ ने खुद कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार दिया है। शुभ का केस अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया, कैसे बचाएंगे हम लोग उसे? हम लोग भले ही शुभ का केस लड़ने के लिए बड़े से बड़ा वकील क्यों ना कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। सब जगह देख लिया, लगता है वो भाग गया। लौंडा भाग के जाएगा कहाँ, हमारे कब्जे में तो आ ही जाएगा। चलो पीछे देखते हैं। आई एम सॉरी शुभ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि अदालत उस रिपोर्ट को ही सच मान रही है जो आपको गुनहगार साबित कर रहे हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों भागे तुम जेल से? आस्था, आस्था मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं। अब सबको यही लगेगा कि तुमने गुनाह किया है, जबकि मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्जु आस्था, आस्था मेरा यकीन करो, मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मजबूरन जेल से भागना पड़ा। मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों को मिलकर सबको बताना होगा कि तुमने ये गुनाह नहीं किया है। मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता तुम हो कहाँ, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें। कोई हमारे साथ ये साजिश खेल रहा है, पहले डिवोर्स पेपर्स, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट। ये खेल कोई बहुत सोच समझ कर हमारे साथ खेल रहा है। यहाँ जेल तोड़ के मुजरिम भाग जाते हैं और उनके घर पे ड्यूटी हमारी लग जाती है। पर हर मुजरिम भाग कर अपने घर थोड़े ही जाता है। ये थाम, कौन है तू? अंदर किस लिए जा रहा है? ओ, पिज्जा लाया था। हाँ तो? मंगाया था। हाँ ठीक है, मैं देख के आता हूँ। तू जा, मैं इसके साथ रुका हूँ। तू यहीं खड़े रह।
मैडम मैडम, आपके घर से किसी ने पिज्जा मंगाया है। पिज्जा? देखिए, उन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, हमारे यहाँ से किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। कहाँ है रे तूपन गलत पते पर आके? अरे साहब, एक काम करो ना, मैडम से साइन ले लो, क्या है हमारा बॉस चिल्लाएगा। ठीक है, जा मैडम से साइन लेके आ जा, मैं हूँ इधर। मैडम, अब क्या हुआ? इस पे साइन कर दीजिए। आस्था, मैं शुभ हूँ, तुम तीसरी मंजिल पर आकर मुझसे मिलो। हेलो, तुम इस वक्त यहाँ पे? वो वीरू, जब तक मैं शुभ से नहीं मिल रही थी, मुझे वीरू को ये नहीं बताना चाहिए कि मैं यहाँ शुभ से मिलने आई थी। क्या पता शुभ वीरू को ये बताना चाहते हो या नहीं। वो वीरू, मैं माधव काका को ढूंढने ही आई थी। माधव काका अपने कमरे में नहीं थे और दरवाजा भी खुला हुआ था, तो मुझे लगा वो शायद यहाँ आए होंगे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, माधव काका तो नीचे हैं किचन में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो नीचे गार्डन में था, तभी माधव काका के कमरे का दरवाजा खुला देखा, सोचा बंद कर देता हूँ। जब बंद करने पहुंचा तो ऊपर से मुझे आवाज सुनाई दी, मैं ऊपर आ गया। मुझे तीसरी मंजिल पर बुलाकर तुम खुद कहाँ चले गए शो? आज हम इतने पास आकर भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए, क्यों शो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस्मत हमसे आंख में चोली का खेल क्यों खेल रही है। तुमने मुझे रोका क्यों? मैं उससे मिलने ही जा रहा था कि एन मौके पर तुमने वीरू, जो तुमने किया वो बहुत गलत है। शुभ 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 शुभ, अपने गुस्से को ठंडा करो।
आस्था को मिलने की जल्दबाजी में तुम अपने आप को और आस्था को दोनों को ही खतरे में डाल रहे थे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रहे थे? अगर तुम पकड़े जाते तो क्या तुम जेल से इसलिए भागे हो कि वो तुम्हें फिर से पकड़ ले? मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम्हें क्या करता? तुम बताओ तुम्हें और क्या करता? आस्था से मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पागलों जैसी बातें मत करो। तुम आस्था से नहीं मिलोगे जब तक तुम्हारी बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता। बेहतर होगा तुम आस्था से मत मिलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं वीरू, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस एक बार तो मुझे मेरी आस्था से मिला दो। देखो अगर तुम मुझे उसे मिलने दोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आस्था से मिलवा दूंगा, पर तुम खुद उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। किसके पीछे भाग रही हो? वो मेरे कमरे में कोई था, उसी का पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। बढ़िया, हम दोनों के अलावा तो कोई नहीं है। पर हाँ, जब मैं अंदर आ रहा था तो तभी मैंने किसी को नहीं देखा। अंदर से आ रहे थे मतलब? तुम इतनी रात में कहाँ गए थे? शुभ की तलाश में गया था। शुभ मिला? नहीं, मुझे शुभ नहीं मिला। आस्था,
मुझे हर हाल में तुमसे आज मिलना ही होगा, और आज हमारी शादी की सालगिरह भी तो है। तुमसे मिलने के लिए मैं राणा का इंतजार नहीं कर सकता, अब जो करना है वो मुझे ही करना होगा। हेलो हेलो आस्था, शादी की पहली सालगिरह, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आस्था प्लीज, आज के दिन तो मत रो। आज के दिन हम दोनों नहीं मिल पाए। मैंने तो मुश्किलों का सामना करके तुम्हें मिलने की बहुत कोशिश की, पर आस्था आस्था, पर तुम्हें याद है ना, शादी के दिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हर साल तुम्हें अलग अलग तरीके से विश करूंगा, और देखो ये भी तो एक अलग तरीका ही है ना विश करने का। लेकिन इस तरीके के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने भी तो मुश्किलों का सामना करके तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन लेकिन चुप, तुम तीसरी मंजिल पर रुके क्यों नहीं? मैं जब वहां तुम्हें मिलने आई तो तुम्हें वहां ना पाकर न जाने कैसे कैसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। और तो वीरू भी वहां आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं उसे बोलूं क्या, इसलिए मैंने बहाना बना दिया कि मैं माधव काका को ढूंढ रही हूँ। लेकिन शुभ, तू वो कहाँ? क्या वीरू ने तुमसे और कुछ कहा? हाँ, उसने कहा था कि वो तुम्हारी तलाश करने गया था, पर तुम उसे नहीं मिले।